टू माय चैनल, आई एम आकांक्षा गायकवाड़ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माय फ्रेंड्स वेडिंग व्लॉग। गाइस, आपको पता है मेरी फ्रेंड की संगीत कोरियोग्राफी भी मैंने ही की थी और सबको वो बहुत पसंद आई। सब लोग मुझे मेरे डांस क्लास के बारे में पूछ रहे थे। आप भी लोग मुझे हमेशा पूछते हो कि आपको मेरा डांस क्लास ज्वाइन करना है। मैं भी मेरा ऑनलाइन डांस क्लास शुरू करने के लिए कोई ऐप या वेबसाइट ढूंढ रही थी एंड फाइनली मुझे मेरे नीड के अनुसार एक बेहतरीन ऐप मिल गया है जिसका नाम है कोहबी। मैंने इस ऐप पर अपना डांस क्लास शुरू कर दिया है। कोहबी एक फ्री ऐप है ऑनलाइन टीचर्स के लिए, जैसे कि योगा इंस्ट्रक्टर्स, डांस टीचर्स, फिटनेस एक्सपर्ट्स एंड एकेडमिक टीचर्स। तो इस ऐप के साथ आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, लीड्स मैनेज कर सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज सेल कर सकते हैं, लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं और पेमेंट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पावरफुल ऐप के साथ आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एंड गाइज, कैन यू इमेजिन, ये सब आपको फ्री मिलने वाला है। तो ये कोहबी ऐप आप अपने एंड्रॉइड फोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कोहबी.com पे जाके इसे लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं और अपनी खुद की वेबसाइट सिर्फ 2 मिनट्स में बना सकते हैं। और इस अपनी वेबसाइट पे आप हर एक चीज कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि हर एक फोटो, हेडिंग, आप कौन सा कोर्स सिखाने वाले हो, उसकी फीस क्या है एटसेट्रा। एंड फाइनली आपकी वेबसाइट बनने के बाद आप अपनी खुद की वेबसाइट अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप कोहबी ऐप पे ये भी जान पाएंगे कि कितने विजिटर्स ने आपकी वेबसाइट विजिट की है, कितने लीड्स जनरेट हुए हैं। आपके वेबसाइट पे कोई भी आपके कोर्सेस परचेस कर सकता है एंड द मनी विल कम स्ट्रेट टू यू। कोहबी ऐप पे एक लीड मैनेजमेंट टूल होता है जो कि इंश्योर करता है कि आपकी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट बनी रहे, जिनको आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो आप एक बैच बना सकते हैं, टाइमिंग मेंशन कर सकते हैं और उनको डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं लिंक शेयर करके। इस कोहबी ऐप पे आपके स्टूडेंट्स और आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोहबी ऐप में इतने सारे फीचर्स हैं और वो 100% फ्री है। इसलिए इस कोहबी ऐप के साथ 50,000 टीचर्स जुड़ गए हैं और वो भी ओनली 3 मंथ्स में। तो अगर आप आपके ऑनलाइन क्लासेस ग्रो करना चाहते हैं और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो ये ऐप सिर्फ आपके लिए है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो जरूर चेकआउट करें। एंड अब मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने अपना व्हाइट एंड गोल्डन लहंगा पहन लिया है, उसके साथ मैंने बैंगल्स, नेकलेस और इयररिंग्स भी पहन लिए हैं, मेकअप कर लिया है और हेयर स्टाइल भी बना लिया है। मुझे तो अच्छे से तैयार होना ही था, मैं ब्राइडमेड जो ठहरी। कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है इनविटेशन कार्ड, है ना कितना प्यारा। तो हम पहुंच चुके हैं वेन्यू पर, यानी लॉर्ड्स पैराडाइज वेडिंग हॉल में, जो कि शाहनूरवाड़ी में है, जैन इंटरनेशनल स्कूल के एकदम पास में। औरंगाबाद के मशहूर फैशन डिजाइनर अनिल खालापुरे ने ब्राइड एंड ग्रुप के कपड़े बनाए हैं। वाओ, कलरफुल लाइट्स। इस रॉयल वेडिंग की फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी संकेत कुलकर्णी एंड विजय लाकड़े ने की है। हाय संकेत एंड के फोटोग्राफर, अब होती है ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री। उन्होंने वेलकम के लिए ट्रेडिशनल डांसर्स को भी बुलाया है। तभी माधुरी दी और सतीश जीजू ने डांस करना शुरू कर दिया। हम ब्राइडमेड्स तो उन पे फ्लावर्स भी फेंक रही थी, सभी लोग उन्हें चेयर कर रहे थे, दोनों की खुशी चेहरे पे साफ झलक रही थी। और माधुरी दी ने डांस करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, आपको याद है ना ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नायरा ने कार्तिक के लिए अपने वेडिंग में डांस किया था। तभी हर गर्ल ने सोचा होगा कि उसे भी अपने शादी में डांस करना है। यहाँ पर भी ब्राइड ने अपने ग्रूम के लिए अच्छा सा डांस किया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सैया सुपरस्टार गाना चल रहा था। फिर हमें भंते जी ने ब्राइड एंड ग्रूम के फैमिली की इन्फॉर्मेशन देनी स्टार्ट कर दी। गाइज, मैं आपको बता दूं, किसी भी रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ही आपकी पूरी लाइफ हैप्पीनेस से भरपूर होगी। तो ये है वो बुके जो मैं इस लवली कपल को गिफ्ट करने वाली हूँ। पूरे शॉप में मैंने इसी बुके को सिलेक्ट किया, क्योंकि रेड कलर सिंबलाइज करता है लव को एंड व्हाइट कलर पीस को। वेडिंग हॉल में कृष्ण राधा की पेंटिंग थी, स्टेज पर व्हाइट एंड पिंक फ्लावर्स का डेकोरेशन था और वो जो पिकॉक था वो तो स्टेज पर सबसे अट्रैक्टिव लग रहा था।
उसके बाद शादी की विधि शुरू हो गई। चलो जब तक विधि होते हैं मैं उनके प्री वेडिंग के कुछ फोटोज दिखा देती हूँ। ब्राइड का नेम है एंकर माधुरी सांची और ग्रूम का नेम है सतीश जाधव। ये सारे फोटोज फोटोग्राफर संकेत कुलकर्णी एंड विजय लाकड़े ने निकाले हैं। माधुरी ने प्रोफेशन से एंकर, वीजे, एमसी, टीचर एंड कोरियोग्राफर भी है। हमारी फ्रेंडशिप 4 साल पुरानी है। जिस शो में मैंने फर्स्ट टाइम रैंप वॉक किया था उस शो की ऑर्गेनाइजर दी ही थी। हम इतने मिल तो नहीं पाते पर हमारा बॉन्ड वैसा की वैसा ही है। अब ये ब्यूटीफुल कपल शादी के वचन लेंगे जो कि उन्हें जिंदगी भर निभाने पड़ेंगे। चलो तब तक मैं आपको कुछ सेल्फीज निकाल लेती हूँ जो मैंने और मेरे सिस्टर अपूर्वा ने ये शादी के विधि के दरमियान निकाले थे। अगर आप हमारे और भी फोटोज देखना चाहते हैं तो अभी जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है akankshaji1। या मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मेरी इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है, उस पर क्लिक करके भी आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं अमेजिंग व्लॉग्स तो मेरी सिस्टर के यूट्यूब चैनल अपूर्वा गायकवाड़ को जरूर सब्सक्राइब करना। अब ये जोड़ा एक दूसरे को माला पहनाने वाला है। तभी जीजू के फ्रेंड्स ने उनको ऊपर उठा लिया। माधुरी दी के भी फ्रेंड ने उनको ऊपर उठाया बट फर्स्ट अटेम्प्ट में वो माला पहना ही नहीं पाई। अरे यार, जीजू भी झुकने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। उन्होंने दुल्हन को बहुत सताया बट सेकेंड अटेम्प्ट में उन्होंने जीजू को माला पहना ही दी। फिर दुल्हन ने भी कुछ देर तक दूल्हे को सताया और फाइनली दूल्हे ने दुल्हन को माला पहना ही दी। तभी जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। सभी लोगों ने उन पर बहुत सारे फ्लावर पेटल्स बरसाए। दूल्हे ने दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया और ऐसे मैरिज सेरेमनी कंप्लीट हो गई। उसके बाद सब न्यूली वेड कपल को विशेस एंड गिफ्ट्स देने लगे। मैंने और अपूर्वा ने पहले ही स्टेज पे जाके गिफ्ट भी दे दिया और फोटो सेशन भी कर लिया। स्टेज के साइड में ही कपल का एक बड़ा सा पोस्टर लगा था इन विंटेज फिल्टर। उसके बाद हम डिनर करने के लिए निकल पड़े। जैन केटरर्स ने डिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी। फूड टेस्ट में भी अच्छा था। मैंने और अपूर्वा ने साथ में ही डिनर कर लिया। उसके बाद हम डेकोरेशंस देखने के लिए निकल पड़े। ये रहा बुद्धा का ह्यूज स्टैचू। कितना पीसफुल फील हो रहा है ना। हियर सत्य साची आर वेलकमिंग अस फॉर देयर वेडिंग। ये इवेंट में हर एक वास, शैंडलर, लाइट, कर्टन सब यूनिक थे। राहुल इवेंट प्लानर ने ये सारा डेकोरेशन किया है। सब उनके पास अपने इवेंट के लिए नंबर लगा रहे थे। अब माधुरी दी एंड जीजू पद्मावत लुक कर पधार चुके हैं। सखी मेकअप स्टूडियो के छाया सर्वे पाटिल मैम ने उनका मेकअप किया था। ट्रेडिशनल डांसर्स ने अगेन हाथों में लाइट लेकर ब्राइड एंड ग्रूम का वेलकम किया। उनका वो इतना परफेक्ट डांस देखकर मुझे भी डांस करने का बड़ा मन कर रहा था। मेरी फ्रेंड और मेरी और एक मेमोरी ये है कि जब मैंने मिस औरंगाबाद 2019 ये अवार्ड जीता था उस शो में माधुरी दी ही एंकर थी। फ्रेंड्स अभी हो रहे हैं 11:30 PM। क्योंकि बहुत लेट हो गया था इसलिए मुझे घर से मॉम डैड के भी कॉल आ रहे थे। वो भी बहुत परेशान हो गए थे। मैं वेन्यू पर 9 PM को पहुंची थी पर थैंकफुली तभी ग्रूम की एंट्री हुई थी इसलिए मैंने टाइम पर वेडिंग अटेंड कर ली। फिलहाल ये कपल घूमर सॉन्ग पे ठुमके लगा रहा है। सच में आज बहुत मजा आया। मैं विदाई के लिए भी रुकना चाहती थी बट मैं और अपूर्वा ही साथ आए थे इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ा। निकलते निकलते रात के 12 बज गए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अब मैं आपको